नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि इन चार तरीकों से पाएं शिशु में खट्टी डकार से छुटकारा। और उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खट्टी डकार की समस्या तब उत्पन्न होती है जब पेट में गैस बन रही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों में ही हो, बल्कि इस तरह की समस्या नवजात में भी समान रूप से दिखाई देती है। हालांकि नवजात शिशु में इस तरह की समस्या माँ के गलत खान पान की वजह से होता है, क्योंकि इस समय शिशु पूर्ण रूप से माँ के दूध पर आश्रित होते हैं। इसलिए माँ को वैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जिससे कि शिशु में खट्टी डकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो। अब बात यहाँ आती है कि कैसे पता करें कि शिशु में खट्टी डकार की समस्या हो रही है। तो कुछ लक्षण मैं आपको बताऊंगी जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि शिशु में खट्टी डकार को कैसे समझ सकते हैं। जैसे शिशु में दूध की उल्टी करना, शिशु को दूध की उल्टी से खट्टी महक आना, शिशु को लगातार रोना, शिशु का पेट चढ़ा चढ़ा सा लगना, शिशु के द्वारा गैस पास करना, शिशु के मुंह से कफ जैसा निकलना। यदि आपके नवजात शिशु में इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो ये एसिडिटी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ घरेलू उपचार से आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, अपने शिशु में इस तरह की परेशानी को कम कर सकते हैं। अजवाइन की सेक दें। जब भी नवजात में खट्टी डकार या पेट चढ़ा चढ़ा सा लगे तो उसके लिए आप अजवाइन को गर्म तवे पर डाल दें और उसमें से जब धुआं उठने लगे तो उससे शिशु के पेट को सेकें, या फिर आप अजवाइन को तेल में पकाकर उस तेल से शिशु की मालिश करें। इससे गैस की समस्या में आराम मिलेगा। माँ गैस बनने वाली चीजों का सेवन ना करें। ये बिल्कुल सच है कि इस समय शिशु पूर्ण रूप से माँ के दूध पर निर्भर होता है। ऐसे में शिशु में खट्टी डकार का सबसे बड़ा कारण माँ के द्वारा लिया गया आहार होता है, क्योंकि जब आप गैस बनने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं तो शिशु दूध के जरिए इनको अपने अंदर लेता है, जिससे कि शिशु में खट्टी डकार की समस्या उत्पन्न होती है। शिशु को एक्सरसाइज कराएं। जब भी नवजात में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए आप शिशु के पैरों को एक एक करके ऊपर की ओर उठाएं और हल्के तौर पर गोल गोल घुमाएं। इससे शिशु को काफी आराम मिलेगा। शिशु को पीठ के बल थपकी दें। शिशु में गैस की समस्या को कम करने के लिए उसे अपने कंधे के सहारे पीठ के ऊपर थपकी दें। इससे भी काफी आराम मिलता है। इन सब के बावजूद भी यदि शिशु में किसी प्रकार का कोई आराम दिखाई ना दे रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको कोई समस्या है और आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आपकी समस्या हमारा समाधान। मैं आऊँगी हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।